चुलबुल, हम लोग स्कूल माउंटेन ट्रेल जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। मैं यहाँ क्या करूँगा? हम तुम्हें अपने साथ स्कूल बस में नहीं ले जा सकते। इमली, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जिंटू को बुलाओ, वो ले जाएगा मुझे, लेकिन मैं भी चलूंगा। दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को प्रणाम, जो बोलो मैं कर दूंगा, जिंटू मेरा नाम। जिंटू देखो देखो, बंटी भी जा रहा है, मुझे भी जाना है। तो तुम भी जाओ। छत पे चुलबुल है। जाओ। जिंटू जल्दी करो, चुलबुल बंटी के साथ पिकनिक नहीं जाना चाहता था। जल्दी से उसे वहाँ से हटा। जाना चाहता था। बॉस, एक बार में ठीक ठीक से क्यों नहीं बताते हो? ये लो। वीर, बचाओ मुझे, ऐसी पिकनिक नहीं चाहिए। चुलबुल क्यों चिल्ला रहे हो? तुम आ गए। ओ थैंक गॉड, चिंटू को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बॉस, पिकनिक के लिए कुछ और सामान चाहिए। जिंटू, हमें यहाँ पिकनिक नहीं आना था, हमें माउंटेन ट्रेल रिसोर्ट जाना था। तुम बिना सोचे समझे काम करते हो। तुम लोग कभी भी मेरे किसी काम की तारीफ नहीं करते। इतनी अच्छी जगह पिकनिक भेजा, फिर भी नाराज हो। तुम लोगों को जो करना हो करो, जहाँ जाना है जाओ। ओए जिंटू, मेरे भाई, ऐसे गायब मत हो यार। लिफ्ट चाहिए क्या? ना बाबा ना, मैं इसमें कैसे लिफ्ट ले सकता हूँ? ये सोच लो, पिकनिक बास्केट का खाना जब खत्म हो जाएगा तो फिर बर्फी खानी पड़ेगी। ओके, बाय बाय, टाटा। नहीं नहीं, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जाना था, चलो भेज ही देता हूँ। वहाँ बर्फ में उन्हें ठंड लग रही होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वीर, चीख क्यों रहे हो तुम? बच गए। अच्छा, तो यह छुपा बैठा है, अभी दिखाता हूँ इसे। अरे देख क्या रहे हो, वीर को बचाओ, लेकिन ऐसा जादू मत करना कि लोगों को शक हो जाए कि तुम यहाँ हो। महापुरुष, क्लासेस तो खत्म हो गई, पंख बनाने का तरीका मिला कि नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकता है।
ये तुमने पुकारा और हम चले आए, काम क्या है ये तो बताए। हमें उड़ने वाले पंख चाहिए अभी। ये लो बॉस, उड़ने वाले पंख। ये तो असली पंख है, वाव। वाह, चलो उड़ के देखते हैं। ये बताओ तो सही। वीर तुम्हारा पैर, रिपेयर रिपेयर। आज संडे है ना, बिजली घर में कोई फोन नहीं उठा रहा। सुना है जहाँ जहाँ बिजली जाती है वहाँ बहुत चोरियाँ हो रही है। अब चिंता मत करिए अंकल, आज बिजली आ जाएगी। ओए महान पुरुष, वादा तो कर दिया है, अब बिजली कहाँ से लाओगे? चलो चुटकी बजाओ और जिंटू को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ ठीक है, बोल। तुमने बुलाया और हम चले आए, काम क्या है ये तो बताएं। आज रात शालिनी दीदी की शादी है, पूरे इलाके में बिजली का बंदोबस्त करो। ओके बॉस। डांटते ही रहते हो। ये वीर क्या कर रहा है? हाँ, जल्दी से खूब सारी कार की बैटरीज ले आओ। अभी ले आता हूँ। जिंटू अब वायर ला और सब बैटरी को जोड़ दे। हाँ, ये लो बॉस। अब इसे बिजली के पोल से जोड़ दो, फिर मैं ये बटन दबाऊंगा और हर घर में बिजली आ जाएगी। ओके बॉस। अभी लो। तब मेरी वजह से हुआ, यहाँ रोशनी नहीं ला पाया तो दीदी की शादी खराब हो जाएगी। अब जो मैं ही करूँगा। ऊपर वाले का जो बिजली आ गई, वीर ने ठीक कहा था कि बिजली आ जाएगी। चुड़ गया। वीर, इमली ने बताया कि तुमने बिजली वालों को बुलाकर बिजली ठीक करवा दी। थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम आंटी। अभी अभी मिली खबर के अनुसार शिमला से आने वाला प्लेन लैंड नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका आगे का व्हील खुल नहीं रहा, कोशिश जारी है। अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुलाओ।
दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को प्रणाम। जो बोलो मैं कर दूंगा, जिंटू मेरा नाम। जल्दी से मुझे और चुलबुल को एयरपोर्ट ले चलो। हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, लैंड करने की कोशिश कर। इमली अंदर है, हमें उन सबको बचाना होगा, उन्हें सही सलामत प्लेन से बाहर निकालना होगा। ये लो, अभी लो। जिंटू ये क्या कर रहे हो, वापस भेजो सबको। फिर कभी ऐसा जादू मत करना, लोगों को ऐसे नहीं बचाना है। प्लेन का पहिया अटक गया है, उसे बाहर निकाल के प्लेन लैंड करा के लोगों को बचाना है। एक पहिए से इतना असर हो रहा है, मैं एक क्या अनेक पहिए लगा देता हूँ, अब तो लैंड हो ही जाएगा। जिंटू ये क्या कर रहे हो, पहिए निकालो जल्दी। अभी लो। जिंटू से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए थी, ये कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करता है। जिंटू ये पहिए गायब करो, हम लोगों को ऐसे जादू नहीं दिखा सकते। तुम तो कभी भी मेरे काम से खुश नहीं होते। अल्फा चार्ली डेल्टा, अब सब नॉर्मल है, तुम उसी मुसीबत में हो और मैं इसी एटीसी टावर में हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन।